ती वाजिभिर् वाजिनेवति यज्ञं वष्टुधिया वसु या हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्

पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से दीति की एक छोटी सी भूल के कारण एक प्रमाद के कारण सिर के बाल पैर से लग जाते हैं इसका अभिप्राय यह है शीर्षासन होना साधना की एक बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी पतन हो सकता है ये हमने पिछले सर्ग में पढ़ा लेकिन अब जो अगला सर्ग है जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ गई हमने बहुत मेहनत करके पुरुषार्थ करके कोई उपलब्धि हासिल की कोई बिजनेस व्यापार में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि की पद प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी उपलब्धि की आध्यात्मिकता में हमने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की और कोई ऐसी आपत्ति आ गई कोई ऐसा क्राइसिस आ गया तो दोबारा कैसे संभलना है उस जो आपदा है जो संकट है उसको भी कैसे अपनी उन्नति का कारण बना सकते हैं उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है ये हम इस सर्ग में पढ़ेंगे क्योंकि कभी भी व्यक्ति को अपनी यात्रा को रोक करके और हताश निराश होकर के बैठ नहीं जाना चाहिए चरई वेती चरई वेती संसार इसी का ही नाम है और हम रुक सकते ही नहीं हैं जो निरंतर चलता रहता है संसरती संसार है जो आगे सरकता ही रहता है गच्छति इति जगत जगत कहते ही उसको है जो सतत चलायमान मान है गतिमान है तो जैसे ही इन्होंने जो शक्ति प्राप्त की थी और इंद्र ने इनके प्रमाद के कारण उसके साथ टुकड़े कर दिए तो अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उन्होंने दीति ने कहा अनुनय सहित विनम्रता सहित उनसे कहा कि भाई जो हो गया सो तो हो गया वो बहुत दुखी हैं। सप्त धातु कृते गर्भे दीति परम दुखिता सहस्राक्षम दुराधर्षम और जो दुराधर्षम दुर्धर्ष जिसको पराजित नहीं किया जा सकता ऐसे इंद्र को वो परम दुख से युक्त होकर के स अनुनय अब्रवीत अनुने सहित इंद्र से दीति ने इस प्रकार कहा गर्भो यम सप्तधा देवेश बल सूदन तो दीति ने कहा मम अपराधात मेरे ही अपराध के कारण अयम गर्भ सप्तधा शकली कृत इस गर्भ को सात हिस्सों में बांट दिया गया है न अपराधो ही देवेश है हे देवेश इसमें आपका कोई अपराध नहीं है न अपराधो ही देवेश है अत्र बल सूदन हे बल का सूदन करने वाले इसमें आपका कोई अपराध नहीं है हमारे से हमेशा व्यवहार में गलती यही होती है कि मेरे जीवन में अगर कोई भी कष्ट आया तो हम हमेशा किसी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में ये कष्ट आया किसी को लगता है, मेरे बोस के कारण मेरे जीवन में तनाव है अगर कोई सर्विस करता है तो किसी को लगता है कि माता पिता के कारण हमारे जीवन में कष्ट है किसी को लगता है सास ससुर के कारण कष्ट है किसी को लगता है बहू के कारण है देवरानी जेठानी के कारण है पति के कारण है पत्नी के कारण है निर्धनता के कारण है किसी भी कारण को हम जब अपने दुख का कारण मान लेते हैं बाहर के किसी वस्तु को या व्यक्ति को अपने कष्ट का कारण मान लेते हैं कि इनके अपराध से ऐसा हुआ तो फिर जीवन में कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं फिर तो हमने सुख के सारे द्वार ही बंद कर दिए सदा सदा के लिए क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर है और बाहर जैसा हम चाहते हैं सारी जिंदगी वैसा ही हो ये कभी भी नहीं संभव है और जब व्यक्ति ये सोचता है कि जो भी मेरी सिचुएशन है जो मेरी मनस्थिति है या मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ तो हम उस परिस्थिति को बदलने के लिए अब तैयार हो गए हैं और हम थोड़ी सी हिम्मत थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो उन परिस्थितियों को बदला जा सकता है जो बदतर है जीवन में उसको बेहतर बनाया जा सकता है उन सारे संकटों को अपने उत्थान की अपने उत्कर्ष की सीढ़ी बनाया जा सकता है ये इस श्लोक में बात बताई और दूसरी बात ये भी बताई यहाँ पर मम अपराधात् मेरी त्रुटि से ऐसे नहीं हुआ कि मेरी भूल के कारण ऐसे हो गया हम अपने प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि या तो हम स्वीकार ही नहीं करते हैं कि मेरी किसी त्रुटि के कारण मेरे जीवन में ऐसे हुआ पहली बात तो स्वीकार ही नहीं करते हैं तुरंत ही किसी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं और यदि स्वीकार करते भी हैं तो बहुत अपने प्रति बहुत उदार होते हैं बहुत सॉफ़्ट होते हैं कि चाहता तो नहीं था अनजाने में ये गलती हो गई मेरे से पर वास्तव में यदि साधक है तो वो कह रहे हैं कि त्रुटि नहीं ये जो आलस्य प्रमाद है ये तो एक तरह का पाप है एक तरह का अपराध है एक होती है भूल भूल के लिए तो माफी मिल जाती है और एक होता है अपराध अपराध का दंड मिलता है अपराध के लिए माफी नहीं होती है तो यहाँ इन्होंने प्रमाद को अपराध कहा दी थी कि ये मेरे अपराध से हुआ माने मुझे जागरूक रहना चाहिए था तो इससे ये भी पता लगता है कि साधक जब अपने जीवन में आलस्य प्रमाद करता है तो उससे उसको जो हानि होती है तो एक तरह से ये बहुत बड़ा अपराध है बहुत बड़ा ये पाप है तो उसके लिए प्रायश्चित यही है कि एक बार पता लग गया तो दोबारा फिर वो कभी जीवन में नहीं होना चाहिए ये ही उसके लिए प्रायश्चित होता है आगे कहा प्रियत इच्छा मे मम गर्भ विपर्य मरुताम सप्त सप्ताह स्थापन स्थान पालांतु ते वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु मारुता इति व्याख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ब्रह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथा परः दिव्यवायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशाः चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात् सञ्चरिष्यन्ति भद्रं ते कालेन हि ममात्मजाः त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् इतीदं बलुसूदन सर्वमे तद्यतोक्तं न संशयः द्विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजाः एवम तौ तो निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने प्रियं त्वत्कृतं इच्छामि मम गर्भविपर्यये मरुतां सप्तसप्तानाम स्थापन पाला भवंतु थे तो जब उसने अनुनय विनय पूर्वक इंद्र से प्रार्थना की कि भाई जो भी त्रुटि हुई उसमें मेरी गलती थी मेरा अपराध था तो अब मैं अनुनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करते हुए अब उसको कैसे गलती को ठीक किया जा सकता है उसको मैं ठीक करना चाहती हूँ आप उसमें मेरी सहायता करें तो जब हम इस प्रकार से अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं देखो घर परिवार में या जीवन में हारमनी बहुत आवश्यक होती है उसके बिना सामंजस्य नहीं बैठता है और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनका ये ज्यादा दायित्व होता है घर परिवारों में संस्थान में संगठन में हारमनी स्थापित करना और भाषा में इसके बारे में कहा जाता है हार मानी और हरमनी अपनी हार मानने से एक हरमनी स्थापित हो जाती है तो कहीं कहीं व्यक्ति को जैसे ही व्यक्ति माने व्यक्ति का जो अहंकार है वही तो झगड़े करवाता है दो व्यक्तियों में यदि झगड़ा हो रहा है मनमुटाव हो रहा है तो दोनों के अहंकार आपस में अड़े हुए हैं दोनों कहते हैं कि मैं क्यों झुकू एक कहता है कि इसकी त्रुटि ज्यादा है दूसरा कहता है कि इस जो इन्होंने किया मैंने तो उसके उत्तर में ऐसे किया अब दोनों में से यदि एक व्यक्ति सॉरी बोल दे कि ठीक हमारे तो दूसरा व्यक्ति तुरंत एकदम ठंडा पड़ जाता है वो। और जब दोनों ही नहीं बोलते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है तो यहां पर जैसे ही इन्होंने अनुन विनय पूर्वक कहा कि भाई वैसे तो आप मेरे पुत्र हैं बहन का बेटा है ये अदिति इनकी बड़ी बहन है तो वैसे तो आप मेरे पुत्र हैं वैसे तो आप मेरे सेवक हैं और वैसे तो आप मेरी सेवा सुश्रूषा कर रहे थे लेकिन क्योंकि मैंने अपराध किया है तो देखो छोटे व्यक्ति से भी अपने पुत्र से भी ये क्षमा मांग रही हैं अनोनय पूर्वक अपने अपराध को स्वीकार कर रही हैं तो अगर रामायण का जो एक एक श्लोक है वो अपने आप में एक जीवन की इतनी बड़ी फिलोसफी को लिए हुए है कि एक श्लोक भी यदि हम आत्मसात करके वैसा जीवन प्रारंभ करें तो ये एक बहुत बड़ा फल देने के लिए पर्याप्त होता है तो यह कितनी बड़ी बात है सुनने के लिए बोलने के लिए श्लोक छोटा सा है कि द्वितीय ने इंद्र से अनुनय विनय पूर्वक अपने अपराध को स्वीकार करते हुए इस प्रकार कहा लेकिन इसमें फिलोसफी कितनी बड़ी है कि ये इनके पुत्र हैं इनके सेवक भी हैं और तो भी माने बड़े से भी यदि गलती हो जाए तो छोटे व्यक्ति को भी सॉरी बोलने में कोई व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटे ही गलती करते हैं कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है तो हो जाती है तो महर्षि दयानंद ने भी कहा सत्य के स्वीकार करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने अगर ऐसे कह दिया तो क्या है मेरा तो हक बनता है मैं तो बड़ा हूँ पर ने, किसी ने ऐसे बोल दिया तो फिर ये तो छोटा है इसने तो अपमान ही कर दिया तो वहां फिर दूरियां पैदा हो जाती हैं तो जिससे भी पहली बात तो जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है जो अष्टांग योग जिसमें एक निरापद योग का मार्ग सभी ऋषियों ने माना है तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये आठ अंग माने हैं उसके उनमें भी सबसे पहले यम और यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये पांच यम हैं जिनको सबसे पहले व्यवहार में लाना पड़ता है और इन पांच यम में भी जो उनमें भी जो सबसे पहला यम है वो है अहिंसा और दूसरे जो संप्रदाय हैं जैन धर्मादि उसमें भी कहा अहिंसा परमो धर्मा अहिंसा परम धर्म है तो अहिंसा एक तरह से आधार है बेसमेंट है जिसके ऊपर हमारे जीवन का भवन खड़ा होना है तो व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए व्यक्ति को ये सोचना चाहिए प्रतिदिन सुबह उठते ही कि सुख किसी को दिया जाए चाहे ना दिया जाए उपकार करें या ना करें पर दुख किसी को नहीं देना है ये बहुत बड़ी बात है ये अहिंसा को जो सबके बेस में रखा है ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारे ऋषियों का हमारे जीवन में क्या होता है हम कुछ कुछ लोभ लालच भी करते रहते हैं कभी कभी दूसरों को दुख भी देते रहते हैं कभी कभी लूट खसूट भी करते हैं बेईमानी भी कर लेते हैं चोरी भी कर लेते हैं और फिर कुछ मंदिर में जाके चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं कुछ गरीबों को दान भी दे देते हैं कंबल भी बांट देते हैं उपकार भी करते हैं हम लेकिन उपकार के साथ साथ किसी को दुख देना किसी की हिंसा करना उसको नहीं छोड़ते घर परिवार में बड़ों की सेवा भी कर देते हैं पर साथ साथ उनको दुख भी देते रहते हैं तो वो जो हमारा थोड़ा सा जीवन में कभी आती है फल मिलता है ठीक है लेकिन हम वर्षों तक साधना करते हुए वर्षों तक ये दान पुण्य आदि करते हुए भी अंदर से सुखी और शांत नहीं हो पाते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि हमने अहिंसा का पालन नहीं किया जो सबसे जरूरी है आप कोई भी दान दक्षिणा किसी को ना दें तो चलेगा आप कोई भी सेवा उपकार ना करें तो भी चलेगा लेकिन हम ये दृढ़ संकल्प बनाएं कि मुझे दुख किसी को नहीं देना है तो दुख ना देने से ये जो दुख न देने के व्रत का पालन करने से जब मैंने दुख किसी को भी नहीं दिया तो अब जो शेष बच गए वो क्या बचेगा जब मैंने हिंसा को हटा दिया अपने जीवन से हिंसा नहीं करनी किसी की तो शेष क्या बचेगा शेष तो अहिंसा ही बचेगा तो इसलिए उपकार करने से इतना ज्यादा हमारा भला नहीं होता है बल्कि इससे ज्यादा भला उससे होता है कि हमें दुख नहीं देना है किसी को भी तो चाहे वो अपने घर परिवार के हों संबंधी हों मित्रजन हो पशु पक्षी हो और देखो व्यक्ति कितना दान करता है उपकार करता है पूरी गीता याद है पूरा शास्त्र स्मरण करता है स्वाध्याय भी करता है फिर मछली को मार के खाता है तो फिर उससे हमारे को सुख और शांति नहीं मिल सकती तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म बताए किसी को दुख न देना तो ये व्यक्ति को पहली बात तो दुख देना ही नहीं चाहिए किसी को ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मैं सुख दूं या ना दूं किसी को पर दुख नहीं दे फिर भी बाई चांस अगर हम मनुष्य हैं और हमारे से कोई भूल हो गई और हमारे कारण किसी को कोई दुख लग गया किसी को बुरा लग गया तो फिर उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए पहली बात तो दुख दे नहीं किसी को और अगर अनजाने में किसी को दुख हो गया हमारे से तो व्यक्ति को उसकी माफी मांग लेनी चाहिए तो वो वही की वही क्लियर हो जाता है और नहीं तो फिर ब्याज पे ब्याज लगता जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाता है फिर तो यहाँ पर चाहे हमारी वो गलती छोटे के प्रति हुई या बड़े के प्रति हुई बड़े के प्रति हुई तब तो माफी मांगनी ही मांगनी है और कभी छोटों के प्रति भी अपराध हो जाए हमारे से तो उनसे भी माफी मांग लेनी चाहिए तो वो व्यक्ति तुरंत हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है फिर वो हमारा सहायक बन जाता है फिर वो हमारा बाधक नहीं बनता है तो जैसे ही इन्होंने कहा इंद्र से कि भाई ये मेरी त्रुटि हो गई और अब आगे क्या करना है तो अब इंद्र भी तुरंत उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया और अब इनकी सहायता के लिए खड़े हो गए वो कह रहे हैं प्रियम त्वत्तम इच्छा मी माता मैं आपके लिए प्रियम प्रियम कृतम इच्छा आपके लिए मैं प्रिय करना चाहता हूँ जिससे आपको सुख मिले अब मैंने दंड तो दे दिया आपके अपराध का आपको पर अब मैं क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया कि मेरे से भूल हुई थी तो अब मैं आपको प्रियम कृतम इच्छा मी जो आपको प्रिय लगता है ऐसा आचरण आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ ममा गर्भ विपर्य इस गर्भ को नष्ट करने से जो आपको कष्ट हुआ तो आपके इस कष्ट को हटाने के लिए और आपको जो प्रिय लगे उसको करने के लिए अब मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं मरुताम सप्त सप्तानाम स्थान पाला भवंतुते तो ये जो आपके गर्भ के साथ टुकड़े हुए हैं तो गर्भ का मतलब है यहाँ पर जो साधना की जा रही थी शक्ति के लिए वो शक्ति खंडित हो गई क्योंकि उनकी माई खंडित है उसका नाम ही दीति है तो हम क्या करते हैं जीवन में खूब अच्छे अच्छे काम करेंगे और कुछ कुछ लोगों ने तो देखा भी होगा जीवन में और फिर दूसरे लोग भी बताते हैं बोले आप भलाई तो बहुत करते हो पर आपको भलाई मिलती नहीं है तो वो मिलती क्यों नहीं है खूब सेवा करेंगे और लास्ट में जाकर के कुछ ऐसा काम कर देंगे कि वो पूरी की पूरी सेवा फिर निष्फल हो जाती है कुछ लोग घर परिवारों में संगठन संस्थान में मैं देखती हूँ अपने संगठन में भी कुछ भाई बहन ऐसे हैं खूब योग की सेवा करेंगे क्लासेस भी लगाएंगे अपने पास से धन खर्च करेंगे समय खर्च करेंगे रिस्क ले करके जाएंगे खूब सेवा करेंगे लेकिन फिर आपस में झगड़ा कर लेंगे जो प्रभारी प्रभारी हैं तो वो की हुई सारी सेवा वो निष्फल हो जाती है फिर का, उनको कहा जाता है आप सेवा कम भी करेंगे तो चलेगा पर झगड़ा आपको नहीं करना है तो ऐसे ही यहां पर भी ने खूब तपस्या तो की लेकिन अपने चित्त को एक जगह एकाग्र नहीं कर पाई तो उनकी वो जो तपस्या से उत्पन्न होने वाली शक्ति थी वो भी खंडित हो गई सात टुकड़ों में खंडित हो गई वो तो सात ही वार हैं सबकी शक्तियां सात ही टुकड़ों में खंडित हैं हम सब की तो इन्होंने कहा सप्त स्थान पाला आपने तपस्या तो की ही है फिर भी तो कुछ, ना कुछ फल तो आपको मिलेगा तो ये जो आपके गर्भ के मैंने सात टुकड़े किए हैं तो ये आपकी भूल का दंड तो दे दिया लेकिन अब वो जो सातों खंड हैं वो मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएंगे उनको स्थान पाल का दर्जा मिल जाएगा माने वो मरुत बन जाएंगे मरुत गण बन जाएंगे वो देवता बनेंगे, सातों जो है वातस्कंधा इमे सप्त चरंतु दिव्य पुत्र मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा तो दीति ने कहा बेटा वातस्कंधा इमे सप्त ये जो सात हैं ये वातस्कंधा क्योंकि खंडित तो तभी होता है ना व्यक्ति इधर उधर तभी जाता है कि वो वात एक बाहर का जो प्रवाह है आवह विवह जिसको हम वेग भी कहते हैं तो कह रहे हैं कि ये तो वेग के कारण एक अपराध के वेग के कारण ऐसा हो गया तो वातस्कंधा इमे सप्तः चरंतु लेकिन ये सातों क्या करें दिवी चरंतु पुत्र का ये जो मेरे सातों पुत्र हैं ये दुलोक में विचरण करें मारुता इति व्याख्याता और इनको मारुत इस नाम से ये विख्यातों दिव्य रूपा और इनका रूप दिव्य हो तो ये जो सात मरुत कहे जाते हैं यही सात वातस्कंद है ये हैं आवह प्रवह संवह उद्वह विवह परिवह परावह वह प्रापणे ये गत्यर्थ धातु है तो ये सात जो अभी मैंने नाम गिनाए ये सात मरुत ही वात स्कंध के नाम से जाने जाते हैं मरुता मारुता इति व्याख्याता दिव्य रूपा ममात्मजा मेरी ये इच्छा है कि ये जो मेरे आत्मज हैं ये जो मेरे पुत्र हैं ये दिव्य रूप वाले हों और द्यूलोक में ये विचरण करें माने देवता का इनको दर्जा मिले ब्रह्मलोकम लोकम चरत्व इंद्रलोकम तथा पर दिव्य वायु ऋतिक तृतीयोपी और कहा ब्रह्मलोकम चरतु एक ये सात जो मरुतगण हैं, ये इंद्रलोकम इंद्रलोक को इंद्रलोक में चरतु विचरण करें, चरतु एक एक ब्रह्मलोक में विचरण करें इंद्रलोकम तथा पर दूसरा इंद्रलोक में दिव्य वायु इति तृतीयो अपी महायशा और तीसरा दिव्य वायु के नाम से विख्यात होकर अंतरिक्ष में बहे तो सप्त प्राण भी कहे जाते हैं इन्हीं को ही सात मरुतों को ही मरुत मतलब वायु तो सात प्राण भी इनको कहा जाता है तो इन्होंने कहा कि ये तीनों लोक में विचरण करें जो सात सात करके और उनचास ऊपर जो सात मरुत बताए हैं उन सात के साथ ही फिर गण हैं तो सात सात गण होने से सात सात उनचास तो उनचास गण हो गए तो इनमें जो प्रथम गण है पहला जो समूह है वो ब्रह्मलोक में विचरण करे ऐसी माता ने मांगा और जो दूसरा है तथा अपरह वो इंद्रलोक में विचरण करे और जो तीसरा महायशस्वी गण है वो दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में रहे वो चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वैतव तव शासना संचरिष्यंति भद्रंती काले न ही और जो शेष चार बच गए ये तो तीन हो गए एक दुलोक में एक अंतरिक्ष लोक में और एक पृथ्वीलोक में ये तीन बता दिए और इनके फिर साथ, साथ गण हो गए अब आगे कह रहे हैं चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ हे सुरश्रेष्ठ दिशो वही तव शासना, तुम्हारे शासन से तुम्हारे अनुशासन से जो शेष चार बच गए चतवारस्तु जो शेष चार पुत्र हैं वो तुम्हारे अनुशासन से संपूर्ण दिशाओं में दिशो वही तव शासनात् बाकी सभी दिशाओं में वो संचार करेंगे माने तुम्हारे ही रखे हुए जो नाम हैं तुमने जब ये रुदन कर रही थी तो उन्होंने कहा था माँ रुद रुद तो मारुद इति मारुत मारुत बन गया तो जैसे इन्होंने अपनी माँ से कहा था मारुद मारुद तो उसी को ये कह रहे हैं वो ही उस उनका नाम हो गया मारुत माने वायु तो कहा चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वही तव शासना संचरिष्य भद्रम ते काले नी मजा आपके अनुशासन से ये जो मेरे पुत्र हैं ये दिशो वही सब दिशाओं में पहले तीन लोक बता दिए फिर सब दिशाओं में मेरे बाकी के जो चार पुत्र हैं वो संचरिष्यंति विचरण करें भद्रम ते आपका कल्याण हो काले न ही ममात्मजा समय के अनुसार जोनसी दिशा में जिस वायु को आप इसलिए कभी बोलते हैं पूर्व की वायु बह रही है कभी पश्चिम की तो ये कह रहे हैं समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में वो संचार करेंगे कभी एक, किसी एक दिशा में कभी दूसरी दिशा में तो सभी दिशाओं में नामना और इनका नामकरण तो तुमने ही पहले कर दिया है तुमने क्या कहा था मारुद तो इसलिए मारुदय थी मारुत तो मारुत नाम से ये विश्रुता सुने जाएंगे मारुत कहलाएंगे ये तस्तवचन श्रुवा सहस्राक्ष पुरंदर उवाच प्राजलिर्वाक्यम इतिदम बलसूदन तो इस प्रकार माता के ऐसे अनुनय विनय से भरे हुए वचनों को सुनकर के पुरंदर सहस्राक्ष पुरंदर सहस्राक्ष अर्थात इंद्र पुरी का दमन करने वाला पूरी को तोड़ करके अपने आप को माने पूरी मतलब यहाँ शरीर तो शरीर से ऊपर उठ जाने वाला सहस्राक्ष हजारों आंख वाली उस इंद्र ने प्रांजलि वाक्यम इदम बलसूदन उवाच इस प्रकार से हाथ जोड़ करके बलसूदन बल का सूदन करने वाले बल का हनन करने वाले बल नाम का एक दैत्य था उसको मारा था इन्होंने इसलिए इनको इन्हों बल सूदन भी कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण को अरिसूदन कहा जाता है अरि माने शत्रु शत्रु को मारने वाला ऐसे यहाँ पर बलसूदन इंद्र को कहा जाता है बल नाम के दैत्य को इन्होंने उनका संहार किया था तो बलसूदन इंद्र ने प्रांजलि वाक्यम इति वाचे हाथ जोड़ करके माता को उत्तर दिया जब माता ने अनुनय विनय किया कि भाई इसके तुमने सात टुकड़े तो कर दिए लेकिन इन सातों टुकड़ों को अब किसी काम में तो लाओ तो आपके अनुशासन से वो सब दिशाओं में दिक्पाल के रूप में रहेंगे और तीनों लोकों में वो मारुत के नाम से तो इस प्रकार से ये सात टुकड़े थे और साथ साथ उनके गण हैं तो सेवन इंटू सेवन तो फोर्टी नाइन ये उनचास मरुत गण माने जाते हैं और ये तो मुख्य हैं वैसे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बहुत प्रकार की वायु बताई गई है और उस एक एक वायु के भी प्रकोप होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार इन्होंने हाथ जोड़ करके माता से कहा सर्वम न संशय माता जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा न संशय इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि पहले मैं आपको दंड दे चुका हूँ तो इससे ये भी पता लगता है कि जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो कष्ट के बाद सुख भी जरूर मिलता है जब कोई अंधेरा आता है जीवन में तो अंधेरे के बाद प्रकाश भी जरूर होता है तो व्यक्ति को हिम्मत रखनी चाहिए इसलिए धर्म का सबसे पहला लक्षण बताया धैर्य देवस्वरूपास्तवात्मजा ये जो आपके आत्मज हैं ये जो आपके पुत्र हैं जिनके मैंने सात टुकड़े कर दिए थे तो ये देवस्वरूप होकर के ही उनंचा मरुतगण होकर के ही विचरण करेंगे तो आप चिंता ना करें तो इससे ये भी पता लगता है कि जो साधना हमने की वो कभी नष्ट नहीं होती है ठीक है त्रुटि हो गई गीता में भी ये बत, बताया कि जो योगी कभी योग से भ्रष्ट भी हो गया तो भी वो ऐसे कुल में पैदा होगा योगियों के कुल में पैदा होगा लेकिन उसकी की हुई जो साधना है तपस्या है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है तो यहाँ एक रिलैक्सेशन मिला है साधक को कि कोई बात नहीं त्रुटि होगी तो भी हम चलेंगे इसी रास्ते पे तो त्रुटि का दंड मिल जाएगा लेकिन जितना किया है थोड़ा ही दो कदम बढ़ाए हैं उसका नाश नहीं होगा तो शेष जो पाठ है ये हम अगली कक्षा में विचार करेंगे आज यही विराम देते हैं। ओ... शान्ति शान्ति शान्तिः स्त्रीगुरुभ्यो नमः